आंदोलन लंबा तक करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं, निश्चित रूप से परिस्थितियां जल्द बदलेंगी। ये जो पार्लियामेंट का सेशन अब शुरू है और कल से पार्लियामेंट के अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट में जुलूस की शक्ल में गए, वो इसका कानून का विरोध करेंगे और सरकार को ये कानून बदलना पड़ेगा। सर, सरकार और किसानों में टकराव है, सरकार के मंत्री हो सीएम हो कहीं जा नहीं पाते, कोई प्रोग्राम नहीं कर पाते, लगता है ऐसे में सरकार चल पाएगी, अपना काम कर पाएगी? मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को लोगों ने उसके अपने क्षेत्र में भी नहीं उतरने दिया। सत्ता में बने हुए लोग किसी गांव में नहीं जा सकते, इससे साफ जाहिर है कि लोग इस सरकार के खिलाफ हैं, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। सर, चर्चाएं थी कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इसी बीच चर्चा है कि सीएम को भी बदला जा सकता है, तो कैसे बदलाव को? अब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो ना हो, बदला जाए ये राज करने वाले लोगों का काम है, हमारा काम तो है इन सबको हम बदल देंगे। सर, कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद इलाहाबाद उपचुनाव हो सकता है, आप चुनाव मैदान में आएंगे? पार्टी जो फैसला करेगी हम उस पर अमल करेंगे। सर, कल हुसैन चौटाला ने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात का जवाब नहीं दूंगा, मेरी पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उस पर फूल चढ़ाऊंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।